सदन में आंखों देखी। महागांव विधानसभा के विधायक दीपिका पंडे सिंह ने बताया कि सरकार का चीनी ताकतों के सामने इस तरह घुटने टेकना सीमा पर देने जवानों के साथ धोखा है, जवान के साथ विश्वासघात है। हम अपने जवानों के सही दर्द को जाया नहीं होने देंगे। इस सरकार को तब तक हिलाते रहेंगे जब तक वो सच नहीं बोले जाएगा, नहीं जाती है। और कितना झुकेगी मोदी जी, चीन ने हमें चुनौती दी है, ये देश के गौरव और अस्मिता का सवाल है। हिम्मत दिखाएंगे और दुश्मनों को जवाब दीजिए। याद रखिए, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। नमस्कार, आदाब, जोहार। 15 जून को हम लोगों के देश के फिर से 20 वीर जवान शहीद हो गए। सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। उनमें से दो भाई हमारे झारखंड के भी थे। इस वक्त जब इस तरह की घटना हुई है, देश के हर व्यक्ति के दिमाग में यह सवाल है और उसका जवाब मुझे लगता है मोदी जी को जरूर देना चाहिए। यह सवाल यह है कि आखिर देश की सरहद को बचाने में क्यों हमारे जवान निहत्थे गए, उनके पास हथियार क्यों नहीं था ताकि वो देश की रक्षा तो करें ही, साथ ही साथ उनकी भी रक्षा हो। और यह हिम्मत चीन को कहां से मिल गई कि वो बॉर्डर को पार करके, लांग करके हम लोगों की सीमा में आकर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह जवाब आज पूरा देश जानना चाहता है। और मैं निवेदन करूंगी सभी भाइयों बहनों से कि आपके मन में जो सवाल हमारे शहीदों को लेकर है वो जरूर सरकार से पूछें। कल को देश को जवाब देना पड़ेगा, हम सबको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जो भी शहीद हुए हैं उनके परिवारों से आंख मिलाना पड़ेगा कि आखिर क्यों इस तरह की घटना हुई और देश क्यों चुप रहा और सवाल क्यों हुए। मैं हूं फैयाज, आंखों देखी में आपका स्वागत है। हमारी सभी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑन जरूर करें ताकि हमारी सभी खबरें आप तक फौरन पहुंच सके। हमें भारत के सभी स्टेट एवं डिस्ट्रिक्ट से ब्यूरो चीफ एवं सभी प्रखंडों से रिपोर्टरों की आवश्यकता है। इसके लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8083209712 पर। शुक्रिया।